हम आजादी के अमृत महोत्सव अभी अभी समाप्त किए। 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। 1947 से 2021-22 तक आजादी को 75 साल पूरे हुए और उस 47 के पीछे का 100 साल संघर्ष का। अभी कल्पना करिए, ठीक उसकी पीछे 100 साल क्या क्या हुआ। उसके पीछे 100 साल 1835 में, अभी प्रोफेसर मिश्र अभी बड़े गौरव के साथ कह रहे थे कि मैकॉले ने हमारी देश को लंबे समय तक, अंग्रेजों ने, एक विद्वान व्यक्ति मैकॉले को लाया और बताया भारत जैसे देश को लंबे समय तक पराधीन करने के लिए रास्ता बताओ। यह देश एक अजब देश है, इस देश को सहज पराजय पराधीन नहीं किया जा सकता है, कुछ उपाय बताओ। तो मैकॉले आए 1835 में ब्रिटिश हुकूमत को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सलाह दिए, इस देश की शिक्षा को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इस देश पे राज नहीं कर सकते, इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं कर सकता है। इसलिए स्कूल के नाम देखिए, वैदिक स्कूल। मैं आनंद जी को पूछ रहा था, आनंद जी इस स्कूल में, बाकी कई विषयों में तो आप ज्ञान देते हो, लेकिन इस सभ्यता की, मनुष्य सभ्यता की, दुनिया के सबसे पुराने ज्ञान जिसको वेद कहा जाता है, महाग्रंथ कहा जाता है, महाज्ञान कहा जाता है, जिसके नाम पे आपने वैदिक इंटरनेशनल स्कूल बनाया, इस स्कूल में वेद के बारे में भी कुछ मौलिक जानकारी आने वाले दिनों में आप दोगे, ये मेरा अपेक्षा है। मैं सबसे पहला निवेदन आपको ये करने वाला हूं। जिस देश में हजारों साल में, अगर मैं तिलक जी को कोट करूं, वेद की आयु 8000 साल पहले की है, जिस वेद में दुनिया की सभी विषयों के बारे में, विज्ञान, गणित, साहित्य, भाषा, समाज नीति, अर्थ नीति, पर्यावरण, पानी, औद्योगिक दुनिया, जिस विद्या में सभी चीजों को लिखा गया था, उसका नाम है वेद। ऐसे आधार वाले वेद आधारित ज्ञान दुनिया की, भारत को अंग्रेजों ने पराधीन करने के लिए 1835 में मैकॉले के नेतृत्व में एक मसौदा बनाया, जिसमें यह कहा गया कि इस देश की शिक्षा नीति को हम पटरी से उतारे, बाहर करें, तब जाके इस देश को हम संभाल पाएंगे। मित्रों, तब से लेके 1947 तक लगभग 100 सालों की सघन लड़ाई के कारण अंग्रेजों को और हजारों सालों की गुलामी को हम भगा पाए, उसे मुक्ति हमको मिल पाई, और उसकी, उस मुक्ति का, आजादी का 75 साल हमने पूरा किया। और कल्पना करिए, पिछले सदी में, अगर ये 21वीं सदी है, पिछले सदी में, 20वीं सदी में, पहला जो 3 दशक था, 1 से 10, 10 से 21, फिर 21 से 31, 32, 33 और 47 तक, प्रारंभिक 3 दशकों में भारत में सभी विषयों के बारे में एक स्वाभिमान जागृत हुआ। हमारी देश में स्वराज्य की कल्पना आई। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल ज्यादा बना। देश की सपूतों ने मर मिटने के लिए प्रण ले लिया। इस वीर संबलपुर में भी सुरेंद्र साई जी के नेतृत्व में संघर्ष हुई, उसके कारण देश को 1947 तक आजादी मिली। मित्रों, पिछले 75 साल में
हम लोगों ने देश को अपने तरीके से चलाने की काम किया। अनेक चीज हुए, अनेक उपलब्धि हुए, अनेक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा मिली। चंद्रयान तीन तो उसी कड़ी का एक प्रमाण है। आज भारत की पांचवी नंबर की अर्थनीति उसी कड़ी का प्रमाण है। आप सभी की उपलब्धि पिछले 75 साल की सामूहिक उपलब्धि का एक बास्केट है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।